पृथ्वी की शुरुआत से ही हर एक जीव अपने आप को विकसित करता हुआ आ रहा है, अपने आप को दूसरे शिकारियों से बचाने के लिए कुछ शारीरिक बदलाव करता चला आ रहा है, जिससे कि कोई शिकारी आसानी से उनका शिकार कर न सके। आज हम ऐसे ही एक जीव के बारे में बात करने वाले हैं, जो अपने आप को शिकारियों से बचाने के लिए एक अनोखा तरीका इस्तेमाल करता है। आज हम बात करने वाले हैं इंडियन पेंगोलिन के बारे में। पेंगोलिन को इंडिया में कई और नामों से भी जाना जाता है, जैसे कि साल खपड़ी, बॉनरोव, बजरा कप्टा, चिप्पू हंडी। इंडियन पेंगोलिन पेंगोलिन की 8 प्रजातियों में से एक है। पेंगोलिन की पूरी बॉडी में लार्ज स्केल होती है, जो कि इनकी रक्षा कवच की काम करती है। जब भी पेंगोलिन को खतरा महसूस होता है, तब पेंगोलिन अपने आप को रोल करके एक बॉल का आकार ले लेती है, जिससे कि इन्हें कोई शिकारी खा ना सके। पेंगोलिन ज़्यादातर कीड़े मकोड़े खाते हैं, जैसे कि चींटियाँ, दीमक और दूसरे छोटे कीड़े। पेंगोलिन चींटियों को पकड़ने के लिए अपनी लंबी जीभ का इस्तेमाल करती है। पेंगोलिन जमीन में बिल बना के रहते हैं। पेंगोलिन को वर्षा वन, फॉरेस्ट एरिया और घास के मैदानों में देखा जा सकता है। इंडियन पेंगोलिन एक इंडेंजर स्पीसीज है और इंडिया में पेंगोलिन को मारना पनिशनेबल भी है। इन्हें 1972 के वाइल्ड लाइफ एक्ट से पूरे इंडिया में प्रोटेक्शन दिया गया है। पेंगोलिन दुनिया में सबसे ज़्यादा स्मगल किए जाने वाले मैमल्स हैं। पेंगोलिन्स को इनके स्केल्स के लिए मारा जाता है, क्योंकि इनके स्केल्स से ज्वेलरी की चीज़ें बनाई जाती है और इनके बॉडी पार्ट्स से चाइना जैसी कंट्रीज में मेडिसिन बनाई जाती है, जिसकी वजह से आज पेंगोलिन विलुप्त होने के कगार पे है। फ्रेंड्स, वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।